ਸੂਰਾ ਮੇਰੇ ਮਜ ਪਮਾਨ ਡੱਠਣ ਫਿਰ ਮੈਨੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਿੰਗ ਸਮਾਧੀਆਂ समन संघ कहते हैं, बहुजन हम सभी कहते हैं, मूल्यवासी हम सभी अपने आप को कहते हैं, बुद्ध के अनुयायी कहते हैं, प्रियार के अनुयायी कहते हैं, बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, आखिर इसके पीछे जो है हमारी कौन सी अति ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक संकल्पनाएं हैं, कौन सी ऐसी अवधारणा है जो इसके पीछे छुपी हुई है। साथियों, जब हम यह बात करते हैं समन, तो जो समन का जो शब्द है उसकी परिकल्पना, जिसे हम आधुनिक रूप में, बिगड़े हुए रूप में, जिसे श्रमण के रूप में जानते हैं, फिर यह संकल्पना आती है कि हम सभी इक्वलिटी, फेटर्निटी, भ्रातृत्व, न्याय के जो हम सभी अवधारणा को पालन करने वाले सभी लोग हैं, यह हम सभी समन हैं। तो जब हम ऐतिहासिक परिदृश्य में देखते हैं, तो जब हम कुछ बातें ज्योग्राफी की अवधारणा के इतिहास की बातें करें, तो सभी को यह मालूम होगा कि जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यह जो हमारी धरा है, यह हमारी जो धरती है, यह धरती दो पार्टों में बटी थी। यह जिसे हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सात जो हमारे महादेश हैं, महाद्वीप हैं, उस सात महाद्वीपों में से हमारे दो महाद्वीप वह आते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जिसे यूरोप कहते हैं और उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो उस दक्षिणी गोलार्ध में यह हमारा आता है एशिया आता है, दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अंटार्कटिका आता है। तो सारे को मिला करके हमारा जो है सात महादेश बनता है, और इस सात महादेश के मिला कर करके यह गोंडी परंपरा में, जिसे इसे सिगार द्वीप कहा जाता था, जम्बू द्वीप कहा जाता था, शंभू द्वीप कहा जाता था। साथियों, मैं इस तरफ इतिहास की तरफ ले जाने के मेरा उद्देश्य यह है कि हम समझने की यह कोशिश करें कि आखिर हम सभी शंभू द्वीप वाले क्यों हैं, सिगार द्वीप वाले क्यों हैं, भारत के खंड की धरती पे हम सभी जो हैं क्यों हैं ऐसा। तो जब हम यह हम देखते हैं ऐतिहासिक परिघटना में हमें यह समझ में आता है कि यह जिसे पंचद्वीप कहते हैं, शंभू अर्थात जिसे कहते हैं गोंडी भाषा में कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव एलिमेंट। जब हम बातें करते हैं पांच चीजों का जो समूह होता है उसे गंड कहते हैं, और पांच चीजों के समूह को, कलेक्शंस को गंड कहते हैं, और इसी गंड से गोंडवाना बनता है, इसी गंड से गोंडवाना बनता है, गंडो द्वीप बनता है, और गंडो द्वीप और अंडो द्वीप को मिला कर करके नरुंग खंड धरती बनती है, जिसे हमारा यह जो सात महादेशों का समूह चुप माना गया है। साथियों, जब इतिहास के तरफ आप कुछ लोग जब रेफरेंस के रूप में देखेंगे, एक अध्ययन है एडवर्ड सियूस का, जब मानव सभ्यता के विकास के इतिहास के विषय में जब उनका अध्ययन है, तो उनका कहना, सब सभी जानते हैं हम सभी कि धरती पर, पृथ्वी पर सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति होता है, वह होता है हमारे अफ्रीका में। तब अफ्रीका के जब अध्ययन करने के लिए देखेंगे, या हमारा जो यह हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसी दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर मानव सभ्यता की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है विश्व में। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने, जो बहुत सारे अध्ययनों के कमी के कारण, जो रिसेंट रिसर्च हुई उनकी कमी के कारण, बहुत सारी ऐसी चीज खामियां जो फैला दी गई थी, रूमर्स बनाया गया था कि मानव सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया में, मिस्र की सभ्यता में हुई है सबसे पहले। साथियों, जब हम सभी अध्ययन करते हैं तो यह समझ में आती है कि यह जो अफ्रीका है, इसी हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब जब गोंडवाना लैंड के पास से रेफरेंस देते हुए जब बातें हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता तक, जब सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम सभी को यह कहा जाता है कि यह समन जो शब्द है बुद्ध के काल के पहले के हैं, बुद्ध के पहले भी समन संघ की परिकल्पना थी। साथियों, जब हम यह बात करें कि बुद्ध के पहले भी समन संघ की परिकल्पना है, तो समन संघ कौन सी समन संघ की परिकल्पना है, जब इतिहास के तथ्यों का अवलोकन हम जब करते हैं, तब यह दिखाई पड़ता है
यह जो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आर्य लोगों ने, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से बताते हैं, यह वैदिक सभ्यता कतई नहीं थी। यह हमारे समन सभ्यता का प्रतीक है, मूल्यवासी समन संस्कृति का प्रतीक है, बहुजन मूल्यवासियों की सभ्यता की प्रतीक है। और यहीं से यह जो शब्द है, यह जो समन परंपरा है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बुद्ध को, जो 28वें बुद्ध हैं, इनके पूर्व भी 27 और बुद्धों की परिकल्पना और अभी कुछ अध्ययन हुए हैं और हो रहे हैं। तो उन चीजों के तरफ हम ना जाते हुए यह बातें हम सभी यह कहना चाहेंगे कि जब समन संघ बुद्ध के पहले, क्योंकि जब बुद्ध यह कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, यह जो संकल्प है, यह जो त्रिशरण का शब्द है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध कौन सी संघ की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। तब इससे यह समझ में आता है कि बुद्ध के काल के पूर्व भी, बुद्ध के अस्तित्व के पूर्व भी, कौन खास करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पूर्व भी हमारे यहाँ बुद्धों की परंपरा रही है, जिसे इसी नाम से बुलाया जाता था और इसी को बाद में ऋषि कह दिया गया, और ऋषि से फिर बाद में सारी चीजों का अपभ्रंश करते हुए संस्कृत में बताया गया। तो साथियों, जब हम देखते हैं कि बुद्ध के काल के समय भी यह समन संघ की परंपरा है, अर्थात समन जब हमारा शब्द स्टेब्लिश हो जाता है, तब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि विश्व का पहला जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन जो सिस्टम मिलता है, यही पंचद्वीप धरती, यही हमारा सिगारद्वीप धरती, यही हमारा शंभुद्वीप जम्बूद्वीप के धरती पर इन परंपराओं का, अर्थात जब हम बाद में देखने की कोशिश जब करते हैं, यह जो समन परंपरा है, यह समन परंपरा जो लोकायत की परंपरा है, जो आजीवक की परंपरा है, जो जैनिज्म की परंपरा है, इन सारे परंपराओं को मिला कर करके यह हमारा समन परंपरा का व्यवस्था बनी थी, निर्माण हुआ था। अब जब इसे आज के परिदेश में, जब हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड, अर्थात सारे जगहों को जब गोंडवाना के रेफरेंस में देखने की बात करते हैं, क्योंकि गोंडवाना को हमें समझना इसलिए जरूरी है लोगों को, क्योंकि हम सभी को यह लगता है कि गोंडवाना मतलब छत्तीसगढ़, गोंडवाना मतलब मध्य प्रदेश, गोंडी मतलब छत्तीसगढ़ के लोग आदिवासी, गोंडी मतलब झारखंड के लोग। साथियों, क्योंकि जब हम इसलिए समझने की जरूरत है कि हम सभी जब मूल निवासी कहते हैं, तब हम सभी कोइतूर परंपरा के लोग हैं, हम सभी मूल निवासी परंपरा के लोग हैं, जिसे ही गोंडी में मूल निवासी को कोइतूर के नाम से जानते हैं। कोइतूर का मतलब ही होता है माँ के गर्भ से, माँ के कोख से उत्पन्न संतान, अर्थात हम सभी किसी भी बमनों की तरह, जो उनकी व्यवस्था की तरह भुजा से निकले हुए, मुख से निकले हुए, पैरों से पैदा हुए, उनकी जो अपभ्रंशक, उनकी जो विभेदकारी परंपरा है, उन परंपराओं के हम सभी नहीं हैं। हम सभी मौलिक रूप से यह सृष्टि की, यह प्रकृति की, यह निसर्ग की जो परंपरा है, उस परंपरा के हम सभी मानने वाले लोग, वहां से जुड़े हुए लोग हैं। और यही परंपरा बुद्ध के काल तक, यही परंपरा विकसित तो होते हुए बढ़ती है। बहुत सारे लोगों के मन में आज यह भी है कि क्या बुद्ध मूल निवासी थे, क्या बुद्ध आदिवासी थे, क्या बुद्ध, जब साथियों जब हम देखने की परंपरा करें, और छत्तीसगढ़ से जब हम यहाँ की संस्कृति से, मध्य प्रदेश की संस्कृति से, झारखंड की संस्कृति से जब इसकी तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तब हम सभी को इसी परंपराओं के जो बहुत सारे अवशेष हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं, वह वहां मिलना प्रारंभ होता है। जब हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति, गोंडी संस्कृति से जब आज के जो आधुनिक परिवेश में जब रेफरेंस लेने की बात करते हैं, तब हमें सभी बहुत सारे चीजें, जो बुद्ध की संस्कृति में जो चीजें मिलती है, उसी संस्कृति को हम सभी आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं संस्कृति में, देखेंगे कि बुद्ध की संस्कृति में उन्होंने जो त्रिशरण की जो संकल्पना आती है, हम सभी जो बौद्ध संस्कृति में त्रिशरण की संकल्पना देखते हैं, तो त्रिशरण संकल्पना में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो यही परंपरा जब हम गोंडी संस्कृति में देखने की कोशिश करते हैं, तब यही परंपरा शूल मूल और सर्री के नाम से जाना गया है। जब हम इसी को अध्ययन करते हैं, पारी कुपार लिंगो, पारी
पारी कुपार लिंगो, जो हमारा इष्ट मूल्यवासी कोइति परंपरा में जो एक महान नायक हैं, उनकी जब हम सभी संकल्पना को देखते हैं, उनके सिद्धांतों को देखते हैं, तब उनसे सिद्धांतों उन्होंने जो जिसे धर्म जिस परंपरा का उन्होंने जो निर्माण किया, जिसे कहते हैं मुंजुक दर्शन कहते हैं, मुंजुक दर्शन ही हमारा जो है यही बुद्ध परंपरा के जो चले आ रहे परंपराएं हैं, शुरुआत के हमारे जो परंपराएं हैं जो बुद्ध के काल के पहले, जब यही परंपरा को आगे देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पास यह जो पंचशील की परंपरा है, जो पंचशील जो आता है, जब हम मुंडुक दर्शन में मुंजोक दर्शन हमारा जो है गोपार लिंगों का दर्शन उसमें देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारा वहां पर प्राकृतिक धर्म जो है वो मिलता है मंजुक दर्शन में, जो हाँ अहिंसा दर्शन और सद्मार्ग का दर्शन, मानव धर्म का दर्शन, प्रकृति धर्म और निसर्ग धर्म और अनिश्वरवादी जो परंपराएं मिलती है, और उन्हीं सब परंपराओं को लेते हुए जो बाद के काल के अलग अलग नायक, अलग महापुरुष, अलग अलग हमारे जो लोग हुए, उसी संस्कृति की उसी परंपरा सिद्धांतों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, इतने हम सभी की भूमिका निर्माण कहने का अर्थ यह है कि आज जब हम सभी यह जो गण व्यवस्था के जो लोग हैं, क्योंकि जब गण व्यवस्था के इतिहास की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, तब गण व्यवस्था में जो हर व्यक्ति हर गण के लोगों का तीन, एक पेड़, एक पशु और एक पक्षी, तीन यह जो चिन्ह हुआ करते थे, वह टोटम हुआ करते थे, उनका गण चिन्ह हुआ करता था, और यही जो गण चिन्ह और टोटम बाद के काल में वह धीरे 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 पूजा पद्धति के रूप में वह देवता का रूप ले लिया, कुल का रूप ले लिया, कुल देवता का रूप निर्माण होते चला गया। और इसी गण व्यवस्था के तहत जब बुद्ध के काल से कोरिलेट जब हम करने की कोशिश करते हैं, तो शाक्य गण और कोलीय गण का, जब शाक्य गण और कोलीय गणों का जब हम रेफरेंस देखते हैं, तो उस व्यवस्था के तहत जब बाद में हम देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि लोगों ने, आर्य लोगों ने, बम्मन लोगों ने भारत में जातिवाद की विस्तार किया। साथियों, कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। एकाएक यह जातियों का निर्माण, वर्ग का निर्माण नहीं होता है। हाँ, यह सत्य है, आर्य लोग टुकड़े टुकड़े में रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में इस शंभु द्वीप, जम्बू द्वीप के धरती पर अलग अलग काल खंडों में आते रहे, तो उन्होंने उनके जो कुछ सातिर लोग, षड्यंत्रकारी लोग, इसी जो व्यवस्था हमारी थी, टोटमिज्म की व्यवस्था थी, गण की जो व्यवस्था थी, इसी गण के ही व्यवस्था को धीरे से उन्होंने जो है वर्णाश्रम व्यवस्था में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का व्यवस्था में, और जो इस व्यवस्था का निर्माण किए, और जिसे आज हम इतिहासकार जो कहते हैं कि यह लेबर डिवीजन था। साथियों, यह लेबर डिवीजन उनके द्वारा ना की गई, यह हमारे यह जो व्यवस्था थी गण व्यवस्था, इसमें उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर करके सुपरियोरिटी और इंफीरियोरिटी लाने के लिए, डोमिनेशन लाने के लिए यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का संकल्पना लाए और उसको प्रतिस्थापित किए, और इसको नाम दिया गया लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन। और जब हम आगे देखने की जब कोशिश करते हैं, तो जब सभी को मालूम है कि बुद्ध ने यही ऊंच और नीच, यही ब्राह्मणों की ऊंच और श्रेष्ठतावादी प्रवृत्तियों का उन्हें प्रतिक्रांति के माध्यम से उन्होंने उनकी बगावत किया, उनके खिलाफत किया, और बाद के काल में इसी प्रतिक्रांति के दौर से देखते हैं, तब जब हम सभी देखते हैं यही वर्ण व्यवस्था को बाद में, जो जो हमारे व्यवसाय थे, जो जो हमारे कार्य थे, जो जो हमारे लोग काम करते थे, गौ पालन का काम, खेती का काम, खेती किसानी का काम, माली का काम, जितने भी प्रकार के काम थे, सोने का काम, लोहार का काम, उन सब लोगों को एक अलग अलग काम के आधार पर धीरे धीरे यह समाज बांटा भी गया और खुद हम सभी बटते भी चले गए। यह कतई यह नहीं माना जा सकता कि किसी ने हम पे जातियां थोपी है, थोपी भी है लोगों ने, लेकिन हम सभी भी उनके थोपे गए व्यवस्था से हम सभी उनको मानते चले गए। और प्रतिक्रांति के बाद जब हम देखते हैं कि इसी जो गण व्यवस्था को जाति में बदलने के बाद आप जब देखेंगे कि इसमें वैवाहिक सिद्धांत को भी लागू करते हैं, इसमें गोत्र की अवधारणा का निर्माण होता है, गोत्र की अवधारणा भी जो देखते हैं, तो गोत्र की अवधारणा जब हम मूल संस्कृति, मूल निवासी संस्कृति में देखने की कोशिश करते हैं,
तब जो छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में फिर बातें करना चाहूंगा कि यहाँ पर दो जो परंपराएं लिखी गई कि कोई यदि एक्का है, एक्का का मतलब होता है कछुआ, मैं मरकाम, मरकाम का अर्थ होता है आम, अर्थात दो गण वाले लोग एक दूसरे के साथ विवाह संबंध बनाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि हम सभी एक ही गण में विवाह संबंध स्थापित नहीं करते थे। उसके जब रीजन देखते हैं तो जिसके बहुत सारे बायोलॉजिकल भी रीजन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है, सोशल रीजन भी है, पॉलिटिकल रीजन भी है, दो गणों के साथ विवाह करने से एक अलग से हाइब्रिड, एक अलग से उच्च प्रतिभा, एक अलग से लोगों का, एक नए हमारे पीढ़ियों का निर्माण होता है। और दो गणों के साथ जो सामाजिक संबंध बनाने से, वैवाहिक संबंध बनाने से गणों के बीच की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती है, और यही सी व्यवस्था है हमारा जो गणतंत्र, जो व्यवस्था थी रिपब्लिकन व्यवस्था थी, डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, और इसी को काउंटर करने के लिए हमारे जो षड्यंत्रकारी लोगों ने, विपरीत संस्कृति के लोगों ने, उन लोगों ने गोत्र की अवधारणा लाया, और यह उन्होंने लाया कि पांच सप्त ऋषियों के द्वारा, सात इनके ऋषियों के द्वारा, भरद्वाज, विशिष्ट, अग्नि, कश्यप इत्यादि जो हमारा जो इनके जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, पुरुष हैं, इनके आधार पर पूरे जो भारत के लोग हैं, इन लोगों का पूरा जो है पीढ़ियां बनी है, पीढ़ियों का निर्माण हुआ है। साथियों, जब हम सभी देखने की कोशिश करेंगे तब इसके एक लाइन में ही काउंटर हो जाता है इस परिकल्पना का। जब दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वहां हमारा टोटेमिज्म ही चलता है, जब हम गोंडी सभ्यता में देखते हैं तो टोटेमिज्म ही चलता है। यह गोत्र की परिकल्पना केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में और उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही लागू है, जहाँ की मनुवादी ब्राह्मण वर्चस्व काफी ज्यादा मजबूती से स्थापित है। साथियों, अब हम सभी को आज की परिस्थिति में यह जो समन परिकल्पना है, जब भूमिका हम समझ लेते हैं कि आखिर हम सभी कौन हैं, तब यह समझ में आता है कि जिसे संविधान के रूप से हम सभी को आज ओबीसी, एससी और एसटी के रूप में स्थापित किया गया है, यह हम सभी कोई दूसरे नहीं हैं, इसी मूल निवासी, इसी गोंडी परंपरा, इसी शंभुद्वीप की परंपरा के वाहक हैं, समतावादी, स्वतंत्र, भाईचारे, न्याय की परिकल्पना के परिपालक हम सभी अनुयायी हैं, जिसे विभेदकारी व्यवस्था में, जिसे जातियों में विभाजित किया गया, लेकिन हम सभी मौलिक रूप से उसी संस्कृति के वाहक हैं, समन संस्कृति के वाहक हैं। अब यह जरूरत है कि हम सभी यदि अपनी पहचान आज के रूप में समन मानते हैं, बहुजन मानते हैं, मूल्यवासी मानते हैं, और संवैधानिक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी मानते हैं, तब हम सभी को पुनः इसी परंपरा में कैसे जुड़ना है, कैसे वापस आना है, और यही इतनी सारी भूमिकाओं का निर्माण ही यह बीम के माध्यम से, जूम के माध्यम से, समन संघ की परिकल्पना के माध्यम से, या हम सभी 1.5 साल से इसी पर विचार और विमर्श कर रहे हैं। साथियों, जरूरत आज यह है कि हम अपने इतिहास को समझ रहे हैं, समझते हैं, स्वीकार करना है। यदि किन्हीं को संशय हो, किन्हीं को कोई दुविधा हो कि ओबीसी अलग है, हम एसटी वाले अलग हैं, हम शेड्यूल कास्ट वाले अलग हैं, तो हम सभी को इस कंफ्यूजन को, मिसकंसेप्शंस को दूर करना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम सभी जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारी जो है इंटीमेसी डेवलप नहीं होगा, तब तक हमारी वैचारिकी का निर्माण नहीं होगा, तब तक हमारे बीच फ्रेटर्निटी का निर्माण नहीं होगा, और यह निर्माण करने के लिए ही हम सभी को इस ट्रेनिंग की जरूरत, इस वेबिनार की जरूरत, इस जिम के माध्यम से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रही है। अब यह जरूरत है कि हम सभी इस परिकल्पना को लेकर करके आगे बढ़ें और लोगों के बीच बैठें, लोगों से बात करें, टेलीफोन के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, जैसे भी किसी भी प्रकार, और अपनी पहचान, अपने सिद्धांत, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को लोगों के बीच रखने के लिए हम सभी को काफी तत्परता से, एक रूपता से हम सभी को दृढ़ प्रतिज्ञ होना है, और यही आज हम सबको करना है, क्योंकि जब समझेंगे तभी जुड़ेंगे, समझेंगे जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, यह जो हमारा टैग लाइन है, और इस टैग लाइन को एस्टैब्लिश करने के लिए यह जो हमारा बी द पीपुल,
बी द पीपुल की जो संकल्पना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की शुरुआती से, कि हम भारत के लोग न हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम सब भारत के लोग इसी समन परंपरा के। और बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से यह जो हमारा हाईवे प्रोवाइड किए हैं, यह हमारा राजमार्ग जो हम सभी के रूप में उपलब्ध हुआ है, इस राजमार्ग पे चलते हुए हम पगडंडियों में जो भटक रहे हैं, जातियों में टुकड़े में बटे हुए, क्योंकि टुकड़े अपने आप में, जातियां अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। हम सभी आज के दौर में भी क्लास में कन्वर्ट हुए हैं, वर्ग में भी बटे हैं, लेकिन जाति के आधार पर अपने आप को, हम सभी एक अपने आप को, इस टैग को खत्म करने की कोशिश करें कि हम सभी समन और समन हैं। हम सभी न लोहार हैं, न पासी हैं, न जाटव हैं, न यादव हैं। जब हम सभी ये सब समझना शुरू करेंगे, तभी हमें संविधान पचेगा, क्योंकि अभी तक हम संविधान की बातों को पचा नहीं पा रहे हैं। और नहीं पचाने का कारण हो रहा है कि यह तो आर्टिकल 17 जो है, यह शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रिविलेज देता है, और हमारा ओबीसी लोगों को इस एट्रोसिटी में ही इन्वॉल्व करते हैं। साथियों, बहुत सारी जो बातें हैं, इसका जकड़न का एक ही कारण है कि हम सभी अपने मूल निवासियत को, बहुजनवाद को, समन संघवाद को, समन परंपरा को, इन सभी चीजों को ऐतिहासिक रूप से समझ नहीं पाए हैं। और जब समझ नहीं पा रहे हैं, तब हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे बात तभी समझेंगे लोग जब हमारे के बीच में के रूप में, जो फरा के रूप में जो फेविकोल है, वह फेविकोल वही हमारी जो है कनेक्ट करती है लोगों से, एक दूसरे से लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो साथियों, आज यह जरूरत है कि इस परिकल्पना को हम सभी अच्छे से समझें, और समझने के बाद फिर क्षेत्रों में, लोगों के बीच में, ऑफिस में, टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से आपस में जुड़े और लोगों को बातचीत करने के बाद लोगों को इस परिकल्पना को, संकल्पना को समझाने की कोशिश करें। ये इतनी सारी बातें हमारी भूमिका का अर्थ यह था कि आज भी हम सभी आज दिन में ट्रेनिंग किए, शाम को 4:30 बजे घड़ी चौक पर अंबेडकर स्टैचू के पास 2 घंटे हम सभी 7 समन संघियों ने आपस में बैठे और बैठ करके इसकी रणनीति बनी, इसकी चर्चा भी बनी, और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष के तहत पुनः हम सभी को अगले रविवार को हम सभी बैठेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। कुछ लोग उसी स्थान पे शनिवार को बैठते हैं जिनके साथ तालमेल मिलाने की कोशिश की जा रही है, और यह संभव है कि इस परंपरा, इस विचारधारा को जब हम एक दूसरे से समझ जाएंगे, तो निसंदेह यह जो अलग अलग जो हमारे पगडंडियों में, गली में हम भटक रहे हैं, हम ओबीसी के नाम पे, सतनामी के नाम पे, अलग अलग जातियों के नाम पे, वर्ग के नाम पे, तो इस जो सभी को टैग को हटा कर करके हम सभी बी द पीपुल को टैग, हम सभी समन संघ के टैग लगाने के लिए हम सभी निसंदेह सफल होंगे। तो मैं एक पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अब नव युग की गंगोत्री से, अब नव युग की गंगोत्री से वही समन की धारा है, वही समन की धारा है। मूल निवासियत का सम्मान करेंगे, मूल निवासी का उद्धार करेंगे, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। और इसी बातों के साथ आप सभी को साधुवाद, आप सभी को संघम नमामि नमो बुद्धाय, जय भीम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए,
तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।